बबीना ब्लॉक के ग्राम पंचायत रक्षा के समाज सेवी क्षेत्र में धमाकेदार एंट्री करने वाले युवा समाज सेवी राजेंद्र सिंह राजपूत से हमारे संवाददाता रोहित सावला ने की विशेष बातचीत। क्या कुछ कहा युवा समाज सेवी ने, सुनते हैं उनकी जुबानी। नमस्कार, मैं हूं रोहित सावला, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। मैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के पास बैठा हुआ हूं जिन्होंने अपना नाम अपने गांव रक्षा ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में समाज सेवा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। समाज सेवी क्षेत्र में धमाकेदार एंट्री करने वाले ऐसे युवा समाज सेवी यहाँ पर चर्चा कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजेंद्र सिंह राजपूत, जो जिला ब्लॉक के ग्राम पंचायत रक्षा के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने जीवन में काफी समाज सेवी के कार्य किए हैं, हर वर्ग को मदद की है। आइए सुनते हैं उनकी जवानी। राजेंद्र जी, आपने जो समाज सेवी के कार्य किए हैं इसके लिए आपको कहां से प्रेरणा मिली? सबसे पहले तो मैं आपकी डीपी न्यूज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया और यहां बुलाया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये प्रेरणा जो आपने बोला है समाज सेवा भी ऐसा है साबरा जी, मैं आपको बता दूं कि ये हमारा भारत देश है और भारत देश में ये हमारा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के अलावा ये हमारा झांसी है और झांसी में किसी भी काम करने के लिए कहीं किसी प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं होती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे यानी झांसी है। उन्हें किसी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी कि उन्हें कैसे आजादी की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हम उनके राज्य में निवास करने वाली जनता है तो जाहिर सी बात है जैसे वीरों की भूमि में आप जन्मे हुए हैं, इसलिए आप जा रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का प्रेरणा नहीं होती। बिल्कुल, तो मुझे लगा कि गांव में अगर कहीं सफाई नहीं हो रही है, मुझे लगता है गांव में अगर कोई किसी को परेशानी है, अगर मुझे लगता है कि गांव में आज लाइट नहीं आई तो मुझे ऐसा लगता है तो मैं उसकी लड़ाई लड़ने की कोशिश करता हूँ और ऐसा कोई नहीं प्रेरणा वाली की बात नहीं, बस ये सारी प्रेरणा मुझे अपनी वजह से मिली। लगभग रक्षा जो क्षेत्र है लगभग 10 से 12 हजार की यहाँ पर जनता है और काफी दिनों से पानी की समस्या यहाँ पर रहती थी, लेकिन आपने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, डीएम साहब के कार्यालय पर ज्ञापन भी दिया, काफी ग्रामीणों के साथ आपने काफी मदद की है और आपने काफी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से नाम भी किया है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि आपने और किन किन लोगों की मदद की, थोड़ा सा बताइए जनता को। ऐसा है कि मैंने मदद आज तक किसी की नहीं कर पाई, मैंने तो कोशिश की है कि किसी के दुख में कठरा, मेरा उद्देश्य यही रहा है कि मैं किसी के अगर किसी कोई परेशानी है तो उसके दुख में थोड़ा शरीक हो जाऊँ। और रही बात पानी की लड़ाई के लिए, पानी की लड़ाई देखिए मेरे पास ये कोई उपलब्धि नहीं है कि मैं उसको जीत पाया हूँ। नहीं नहीं राजेंद्र जी, हमारी बात मैं पानी की नहीं कर रहा हूँ, पानी की समस्या हो, साफ सफाई की समस्या हो, किसी गरीब व्यक्ति की मदद करना हो, इन सभी कामों को आपने किया है और ये शायद मेरी आंखों देखी भी है, आप काफी लोगों की मदद भी करते हैं और मैं इसको अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो है आपको कहाँ से सीखने को मिली, आपके मार्गदर्शक गुरु कौन है समाज सेवी में जो आपने इतने कम समय में धमाकेदार एंट्री की है और रक्षा ही नहीं काफी क्षेत्रों में आपने रक्षा के आसपास क्षेत्रों में आपने अच्छी पहचान बनाई है, आप मार्गदर्शक गुरु का नाम जानना चाहते हैं? मेरे मार्गदर्शक गुरु जो है मेरा व्यक्तिगत कोई प्रतिकूल व्यक्ति नहीं, मेरे मार्गदर्शन में हर किसी से सीखने की कोशिश करता हूँ, छोटे से बच्चे से भी सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक अभी ये कह नहीं पा रहा हूँ कि मेरा गुरु जी जी मतलब आप गुरु केवल जो है मेरे पापा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी राजनी बता रहे हैं कि हमारे गुरु हैं पापा जी हैं और शिक्षा हम कैसे ही प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा छोटे बच्चे से भी प्राप्त कर सकते हैं, बड़ों से भी कर सकते हैं और शिक्षा जो है गतिमान है, शिक्षा हम कभी भी किसी से प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा कोई मतलब एक पर्टिकुलर चीज नहीं, छोटे बड़े व्यक्ति से ही प्राप्त कर सकती है, छोटे व्यक्ति से भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल राजेंद्र जी, बिल्कुल आप सही बात की। राजेंद्र जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, अभी अभी मुझे उड़ते उड़ते खबर मिली है कि आप
रक्सा में जो होने वाले चुनाव है आगामी ग्राम पंचायत चुनाव, इसमें आप उम्मीदवार बन सकते हैं प्रधान पद के लिए, इसमें क्या कहना है? ऐसा है सर कि मेरे स्वभाव में है, एक बात स्वभाव में बात यह है कि मैं गांव के लिए कोई काम करता हूँ, ये तो मैं इस उद्देश्य से कभी नहीं की मैंने कि मुझे कोई पद की लालसा रही हो। आज पद के हिसाब से आज मैं प्रधानमंत्री रोजगार प्रचार प्रसार योजना का युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं स्वामी ब्रह्मानंद ब्रिगेड झांसी का भी जिला अध्यक्ष हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी मंडल का महामंत्री हूँ पिछड़ा वर्ग मोर्चा में, और इसके अलावा मैं और भी कई पद हैं मेरे पास, व्यापार मंडल के पद हैं और रक्षा में कई और कई समाज से मैं लायंस क्लब में भी हूँ मैं, तो मैंने पद के लिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा कोई पद का पार्टिकुलर कोई वो है कि मुझे कुछ पद कहीं जाना है या तभी मैं काम करना है। भाई गांव में जब कोरोना काल आया, कोरोना काल अभी चल रहा है, तो मुझे लगा कि भाई मेरे गांव में किसी को स्थिति ना हो जाए, तो मुझे लगा कि मुझे काम करना चाहिए, तो मैंने सैनिटाइज करने का काम किया। मुझे लगा तो उसमें कुछ गरीबों गरीब परेशान है, करीब 118 परिवार ऐसे थे जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, जिनको लगातार 4 महीने तक हमने आप जैसे साथियों की वजह से उनकी खाने पीने की व्यवस्था की लगातार, काफी। दूसरी चीज और उसके बाद मैंने देखा कि हमारे कई मुद्दे आज पानी से छूटे हैं, पानी में आते ही नहीं है, आज हमारे रक्षा में कई ऐसे कोरोए हैं जहाँ तक कोई गरीबों नहीं है, यहाँ सड़कें नहीं है, आज कई चीजें हैं ऐसी जिनके लिए प्रयासरत रहने की कोशिश करता हूँ। यही बात मान लीजिए कि मेरा अभी ऐसा कोई भी विचार नहीं है कि मैं कोई चुनाव लड़ूँ या चुनाव की मेरी कोई लालसा है या मतलब पद की कोई लालसा है इस प्रकार से। यदि जनता का मूल रहा, युवाओं का मूल रहा कि नहीं राजेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे युवा प्रत्याशी होंगे, और तो आप क्या करेंगे उसको? देखिए सर ऐसा है, पहले जो राजा पैदा होता था वो रानी के पेट से होता था, और आज जो राजा बनता है वो जनता पाती है अपनी वोट देकर, जनता के कारण मेरे माँ बाप है, और अगर मेरे माँ बाप की इच्छा हो तो बच्चे को तो वो काम करना पड़ेगा, अगर मेरी सब लोग चाहेंगे कि आपको लड़ना चाहिए तो लड़ूंगा, और ये नहीं चाहेंगे नहीं लड़ूंगा। ठीक है, धन्यवाद राजन जी। और आप सुन रहे थे रक्सा के वरिष्ठ समाजसेवी युवा राजेंद्र राजपूत जी को, जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई है समाज सेवी क्षेत्र में। कैमरामैन राज राजकुमार के साथ रोहित सावला की रिपोर्ट।